हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हमारे इंडिया में जो फोर्थ वैक्सीन आने वाली है जिसका नाम है मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन, तो इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। सो इंडिया में जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन है वो है कोविशील्ड, उसके बाद कोवैक्सीन, देन स्पुटनिक वी रशिया की जो वैक्सीन 2-3 महीने लॉन्च हो गई या हमारे इंडिया में देने शुरू हो गई जिसमें, और तो चौथी जो वैक्सीन है हमारे इंडिया में वो है मॉडर्ना वैक्सीन। इसीलिए हमारे जो आज की वीडियो जो है और जो टॉपिक है वो है फोर्थ कोविड वैक्सीन नाउ अवेलेबल इन इंडिया, और ये जो चौथी वैक्सीन है इंडिया में अवेलेबल होने वाली वो है मॉडर्ना वैक्सीन और मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन। तो ये मॉडर्ना कोविड 19 वैक्सीन, तो ये एक्चुअली क्या दिस मॉडर्ना वैक्सीन ये पहले 3 वैक्सीन से अच्छी है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो ये पूरा वीडियो आप देखिए, और अगर आपने ये माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले जो 3 वैक्सीन थे हमारे इंडिया में, तो ये न्यूज़ हमने कुछ महीने पहले सुनी थी, देखी थी, और जहाँ पे हेडलाइंस थे भारत में मिलेगा इन 3 वैक्सीन का विकल्प। तो पहले ये कोवैक्सीन हमारे भारत में पहले से है, जो प्रोड्यूस किए, डेवलप किए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक ने, और ये जो टाइप है वैक्सीन का ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और जो 2 डोज देने वाला मतलब जो डिस्टेंस था 2 डोजों में ये था 28 दिन का, और जो इफेक्टिवनेस है वो था 78%। उसके बाद जो सेकंड वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में वो थी, और वो है कोविशील्ड वैक्सीन जिसकी डेवलपर है एस्ट्राजेनेका, उसके बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका टाइप जो है कोविशील्ड का ये वायरल वेक्टर टाइप है, और 2 डोज कितने दिन अंतर से लगेंगे या जो गैप है 2 डोज में वो था 42 to 56 दिन, और अभी जो गैप है वो 84 दिन है और 84 डेज है, और इसकी इफेक्टिवनेस जो है कोविशील्ड वैक्सीन की यह है 70%। और जो तीसरा वैक्सीन जो हमारे इंडिया में आ गया वो रशिया का वैक्सीन है, दैट इज स्पुटनिक वी, दैट वी स्टैंड्स फॉर विक्ट्री फॉर कोविड, और ये रूस वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज लैब्स बना रही है अभी इंडिया में, ये भी वायरल वेक्टर है, और इसकी जो डिस्टेंस है 2 डोज में वो 21 दिन का है, और इफेक्टिवनेस जो है यह है 92%। अगर ये तीनों में से हम देखेंगे तो इफेक्टिवनेस ये स्पुतनिक वी का ज्यादा है, लेकिन तो उस वक्त ये 3 वैक्सीन अवेलेबल थे इंडिया में, ये स्पुतनिक वी जो रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा डेवलप की गई है, और गैमालिया कंपनी द्वारा डेवलप की गई है, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर है वो है DRL मैनकाइन एंड हेटेरो फार्मा, और जो टेक्नोलॉजी यूज की है स्पुतनिक वी वैक्सीन डेवलपमेंट में वो है 2 मॉडिफाइड ह्यूमन एडेनोवायरसेस वेक्टर। दूसरा जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड है, और इसमें जो मतलब जो डेवलपर है वो एस्ट्राजेनेका है, और इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है कोविशील्ड वैक्सीन के डेवलपमेंट में वो है चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर। और तीसरी जो वैक्सीन है ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में वो है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक एंड ICMR ने डेवलप की है, और इंडियन मैन्युफैक्चरर ये खुद भारत बायोटेक है, और जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है कोवैक्सीन वैक्सीन डेवलपमेंट में वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूजिंग द वायरस स्ट्रेन। तो ये 3 वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, और जो 4th वैक्सीन जो अभी इंडिया में, तब हमारे मन में क्वेश्चन था कि अभी ये 3 वैक्सीन अवेलेबल है तो इनमें से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, कोवैक्सीन बेस्ट है या कोविशील्ड बेस्ट है
या फिर स्पुटनिक वी बेस्ड है। तो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है कि ये स्पुटनिक वी की जो एफिशिएंसी है वो 92% है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपके गांव में हो, आपकी सिटी में हो, वो वैक्सीन आपको लेना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये तीनों भी वैक्सीन ये COVID-19 वायरस के खिलाफ या कोरोना वायरस के खिलाफ काम करते हैं। तो इसीलिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। बाद में ये न्यूज हमने न्यूज़पेपर में पढ़े है कि डिसीज या गिव्स इमरजेंसी यूज नॉट टू मॉडर्नाज वैक्सीन, और चौथी वैक्सीन जो इंडिया में आ गई है वो अभी मॉडर्ना है। तो ये स्टेटमेंट है, इंडियन फार्मा मेजर सिप्ला विल फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ दिस कोविड वैक्सीन डोनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट बायोटेक मेजर दैट इज मॉडर्ना एंड पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर। सो अंडर द लाइसेंस फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज बाय इंडिया ड्रग रेगुलेटर DCGI, तो ये इमरजेंसी मोड पे इसे परमिशन दे दी गई है मॉडर्ना वैक्सीन को इंडिया में। तो इसीलिए ये वैक्सीन अभी इंडिया में आ रहा है। ये भी न्यूज हमने पढ़ी है कि वन मोर ज्वाइंस द बैटल, COVID-19 बैटल जो चल रहा है तो इस बैटल के खिलाफ अभी एक चौथी वैक्सीन ज्वाइन होने वाली है, और वो है मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन। तो ये पहले वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी इंडिया में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुटनिक वी, और इंडिया इज ऑल्सो इन टॉक विथ फाइजर एंड जॉनसन फॉर अनदर वैक्सीन, एंड दीज मॉडर्ना वैक्सीन दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने के लिए स्टोर की जा सकती है जो टेम्परेचर प्रिस्क्राइब किया है उस पे, और नॉर्मल स्टोरेज आफ्टर द वायल इज ओपन वो 30 डेज का है। मतलब वायल ओपन करने के बाद भी 30 दिन तक आप ये लाइफ या वैक्सीन की लाइफ वहां पे है। एंड जो इफिकेसी है इस मॉडर्ना वैक्सीन की वो है 94.1% इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दिस COVID-19, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 14 डेज ऑफ द फर्स्ट डोज। मतलब पहला डोज लेने के बाद 14 दिन के बाद ये जो इफेक्टिवनेस है इस वैक्सीन का मॉडर्ना का वो शुरू हो जाएगा, और बेस्ड ऑन द एविडेंसेस दिस न्यू वेरिएंट्स ऑफ दिस SARS-CoV-2 दे डू नॉट अल्टर द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। मतलब ये जो नए वेरिएंट आए कोरोना वायरस के, COVID-19 वायरस के, तो इसके खिलाफ भी ये मॉडर्ना वैक्सीन वहां पे काम कर सकती है। तो ये पहले वैक्सीन हमारे मतलब पहले से है ऑलरेडी कोविशील्ड जो सीरम की वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बाद ये भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन आ गई वैक्सीन, उसके बाद ये गैमेलिया कंपनी की रशिया की स्पुटनिक वी आ गई, और अभी जो आ गई ये है मॉडर्ना COVID-19 वैक्सीन। तो इसीलिए फिर से हमारे मन में क्वेश्चन आया है कि ये 4 में से कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, क्योंकि पहले 3 वैक्सीन थे तब भी हमारे मन में क्वेश्चन आया था कि 3 में से कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 3 में से जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी भी वैक्सीन चाहे वो आपकी सिटी में, आपके गांव में अवेलेबल हो, वो वैक्सीन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है आपको COVID-19 से या कोरोना वायरस से। तो लेकिन जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के वो भी आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो सैनिटाइजर का यूज करना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये सब आपको वैक्सीन लेने के बाद भी यूज करना है। तो इसलिए चौथा वैक्सीन जब आ गया तब भी हमारे मन में क्वेश्चन है कि कौन सी वैक्सीन अभी बेस्ट है। तो ये चार्ट में से आपको समझ में आएगा, ये यहाँ पे जो पहला कॉलम है ये वैक्सीन मेकर है या फिर वैक्सीन का नाम, और जो कंपनी उसे बना रही है उसका नाम है यहाँ पे। सेकंड कॉलम में इस वैक्सीन का टाइप दिया हुआ है, कौन से टेक्नोलॉजी यूज करके ये वैक्सीन डेवलप की गई है। तीसरे कॉलम में इफिकेसी मतलब कितनी इफेक्टिव है और कितने डोसेस वहां पे लगेंगे आप, ये दिया गया है। तो यहाँ पे पहले जो वैक्सीन है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने डेवलप की है, और जो टेक्नोलॉजी जो यूज की है यहाँ पे इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस, इफिकेसी जो है 81% है, और जो डोसेस लेने चाहिए थे वो 2 डोसेस लेने चाहिए 20 डेज अपार्ट, और जो गैप है उसमें। सेकंड वैक्सीन है कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम की वैक्सीन है, एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है ये, इफिकेसी 70% है, और जो गैप है डोज में वो 84 डेज का गैप है, और 2 डोसेस वहां पे लेनी चाहिए।
उसके बाद जो है स्पुतनिक वी हमारे इंडिया में आई थी, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और गैमालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लैब को यह अथॉरिटी दी गई है। ये भी एडेनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है और इसकी जो इफिकेसी है स्पुतनिक वी की ये 91% है। और डोसेज जो चाहिए लेनी चाहिए अच्छी इम्यूनिटी के लिए, इम्यून पावर के लिए, वो दो डोसेज लेनी चाहिए और दो डोसेज में गैप जो है वो 21 डेज का है। और अभी जो नई नई इंडिया में वैक्सीन आने वाली है वो है मॉडर्ना वैक्सीन और जो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज की है ये mRNA मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की है। तो इसीलिए ये मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी यूज करके जो वैक्सीन इंडिया में आने वाली है ये मॉडर्ना वैक्सीन, ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो mRNA टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है और इसकी इफिकेसी जो है वो है 95%। इसके भी दो डोसेस यहाँ पे लगेंगे और जो गैप है वो 28 डेज का गैप है। तो ये जो वैक्सीन है mRNA वैक्सीन जो मॉडर्ना अभी इंडिया में आने वाली है ये काम कैसे करती है, ये हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप तो करती है कोरोना के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ और COVID-19 के खिलाफ, लेकिन कैसे डेवलप करती है तो ये इसका प्रिंसिपल है mRNA वैक्सीन का। सो दैट वैक्सीन स्पर्स हेल्दी सेल्स, हमारे बॉडी में जो भी हेल्दी सेल्स है उसको तैयार करती है ये mRNA वैक्सीन और ये मॉडर्ना वैक्सीन, ऐसे तैयार करती है कि जिसकी वजह से ये जो सेल्स है हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स ये वायरल प्रोटीन्स को तैयार करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और ये वायरल प्रोटीन्स बाद में हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे जिसकी वजह से वहां पे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होंगे कोरोना वायरस के खिलाफ। तो ये सिंपल ये mRNA वैक्सीन का है, ये स्पाइक प्रोटीन है, इसका mRNA वहां पे आइसोलेट किया जाता है और इसको लिपिड कोटिंग में बंद किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और बाद में ये mRNA वैक्सीन तैयार हो गई। मतलब ये जो mRNA वैक्सीन मॉडर्ना वैक्सीन है ये इसमें क्या है, ये मैसेंजर RNA है mRNA बेस्ड। सो जब ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी तब ये जो वैक्सीन हेल्दी सेल्स में जाएंगे तब ये हेल्दी सेल इस स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे। ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे तैयार हो गए और उसके बाद ये जो सेल है ये सेल इस स्पाइक प्रोटीन के बाद जो ये कोरोना वायरस के प्रोटीन है और स्पाइक प्रोटीन है जिसकी सहायता से ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स के सेल को अटैच करता है और इसके अंदर जाता है। तो ये हेल्दी सेल अब क्या करेगी, इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करेगी। तो ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो जाएंगी और अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें हो गया तो ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार है इस कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट करने के लिए। तो ये एंटीबॉडीज इस कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगे और हमें वहां पे इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसकी इफिकेसी जो है ये 95% इफिकेसी है मॉडर्ना वैक्सीन की, 94-95%। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये चार में से जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल रहेगी आपकी सिटी में, आपके गांव में, तो जो अवेलेबल वैक्सीन है वो वैक्सीन आप ले लीजिए, क्योंकि ये सब चारों भी वैक्सीन आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे कोरोना वायरस से, COVID-19 से। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आपको ये भी ख्याल में रखना है कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है वो सब आपको फॉलो करना है, तब आपको अच्छा प्रोटेक्शन वहां पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इसे आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।